हेलो माय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो बच्चों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे आरडी शर्मा की एक्सरसाइज 20.1 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन। तो बच्चों, मैं आपको बता दूँ कि एक्सरसाइज 20.1 के मैं तीन पार्ट ऑलरेडी बना चुका हूँ, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व किया है। वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां पर जाकर क्लिक करके देख सकते हैं। तो चलिए बच्चों, इस वीडियो की शुरुआत करते हैं, क्योंकि यहां पर होगी सिर्फ और सिर्फ मुद्दे की बात। सबसे पहले हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। There are two cones. The curved surface area of one is twice that of the other. The slant height of the latter is twice that of the former. Find the ratio of their radii. तो चलिए बच्चों, अब समझ लेते हैं इस क्वेश्चन का मतलब क्या है। There are two cones, यानी कि आपको दो कोन गिविन है। पहला वाला ये है और दूसरा वाला ये रहा। इसके बाद क्या बोला है, The curved surface area of one is twice that of the other, यानी कि एक का curved surface area दूसरे के ट्वाइस है, दो गुना है। तो आप यहां पर लिख लेंगे, लेट कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सेकेंड कोन इज इक्वल टू सी। तो बच्चों, यहां पर समझने वाली बात यह है कि हमने सेकेंड कोन के कर्व्ड सरफेस एरिया को ही लेट क्यों किया है, क्योंकि क्वेश्चन में यहां पर बोला गया है ट्वाइस दैट ऑफ द अदर। तो आपको जब दो गुना करना पड़ेगा तो आपको दूसरे वाले को लेट करना पड़ेगा, तभी आप लिख पाएंगे कि जो पहले वाले का कर्व सरफेस एरिया है वो क्या है, दो गुना है दूसरे का। ओके, तो यहां पर हम लिख लेंगे कर्व सरफेस एरिया ऑफ फर्स्ट कोन कितना हो जाएगा। देखिए, यहां पर क्वेश्चन में गिवन है द कर्व सरफेस एरिया ऑफ वन इज ट्वाइस दैट ऑफ द अदर। तो दूसरे को जब आपने सी मान लिया तो पहले वाले का कितना हो जाएगा, दो गुना, और यही आपको क्वेश्चन में बोला गया था। बच्चों, आगे बोला गया है द स्लेंट हाइट ऑफ द लेटर इज ट्वाइस दैट ऑफ द फॉर्मर। तो बच्चों देखिए, यहां पर स्लेंट हाइट को भी आपको लेट करना पड़ेगा, क्योंकि डायरेक्ट वैल्यू तो गिवन नहीं है। तो क्या करना पड़ेगा, पहले वाले कोन की जो स्लेंट हाइट है उसको आप लेट कर लेंगे एल, तो दूसरे वाले की कितनी हो जाएगी, ट्वाइस दैट ऑफ द फॉर्मर, यानी कि जो आपने पहले वाले को जो माना है, ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 2L। ओके, तो आप यहां पर लिख लेंगे स्लेंट हाइट लेट कर लेंगे। ओके, लेट स्लेंट हाइट ऑफ फर्स्ट कोन इज इक्वल टू एल, तो दूसरे का कितना हो जाएगा, देयरफॉर स्लेंट हाइट सेकेंड कोन इज इक्वल टू 2L। ओके, यही तो बोला था, ट्वाइस दैट ऑफ द फॉर्मर। बच्चों, लास्ट में आपसे पूछा है फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडियाई, यानी कि रेडियस का आपको रेशियो निकालना है। ओके, जो आपकी ये वाली रेडियस है, लेट से ये आपका R1 है और ये आपका R2 है, तो आपको निकालना क्या है, R1 और R2 का रेशियो निकालना है। अब बच्चों, मेरी बात को थोड़ा ध्यान से समझना कि आपको किस तरीके से रेशियो निकालना है। अब देखिए, यहाँ पर आपको कर्व सरफेस एरिया गिवन है, अगर मैं इन्हीं का रेशो ले लूँ कि कर्व सरफेस एरिया फॉर द फर्स्ट कोन एंड रेशो विद द कर्व सरफेस एरिया ऑफ सेकेंड कोन, तो उस केस में क्या होगा। तो चलिए हम यहाँ पर लिख लेते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। कर्व सरफेस एरिया ऑफ फर्स्ट कोन डिवाइडेड बाय कर्व सरफेस एरिया ऑफ सेकेंड कोन। ओके, तो यहां पर हमने रेशियो ले लिया है। अब देखिए, कर्व सरफेस एरिया फॉर द फर्स्ट कोन क्या था, 2C। ओके, तो आप यहां पर लिखेंगे 2C। कर्व सरफेस एरिया ऑफ सेकेंड कोन क्या था, C, तो आप यहां पर लिखेंगे C। ओके, अब देखिए, C से C आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। अब देखिए, कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, फॉर्मूला होता है πRL। ओके, तो आप क्या लिखेंगे, पाई आर के लिए R1 लिखेंगे, क्योंकि ये आपका फर्स्ट कोन का है। ओके,
एल का वैल्यू आपको यहां पर हमने लिख लिया है, तो आप यहां पर लिखेंगे एल अपॉन पाई, यहां पर लिखेंगे आर टू। ओके, अब एल टू के लिए क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे टू एल, ओके इज इक्वल टू टू अपॉन वन। अब बच्चों इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, पाई से पाई आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, एल से एल भी आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहां पर देखिए आर वन और आर टू का कितना रेशो आ जाएगा, 4:1। ओके, और यही आपको फाइंड करना था। सो दिस इज द आंसर फॉर दिस प्रॉब्लम। तो बच्चों आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। द डायमीटर्स ऑफ टू कॉन्स आर इक्वल इफ देयर स्लेंट हाइट्स आर इन द रेशियो 5:4, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर कर्व्ड सरफेसेस। तो चलिए बच्चों सबसे पहले हम समझ लेते हैं इस क्वेश्चन का मतलब क्या है। आपको टू कॉन्स गिवन है, ओके पहला वाला ये है और दूसरा वाला ये रहा। डायमीटर्स आर इक्वल, ओके डायमीटर्स आपकी बराबर हैं दोनों कोन की। मान लीजिए डी वन है फर्स्ट कोन की, ओके ये आपका डी वन है और ये आपका डी टू हो जाएगा। ओके ये आपका डी टू है, तो डी वन इज इक्वल टू डी टू है। तो इसका सिंपल सा मतलब है आर वन इज इक्वल टू आर टू होगा। अगर डायमीटर्स बराबर हैं तो आर वन इज इक्वल टू आर टू भी होगा। मेरी बात आ गई समझ में। इसके बाद क्वेश्चन में गिवन है इफ देयर स्लेंट हाइट्स आर इन द रेशो 5:4, यानी कि स्लेंट हाइट का आपको रेशो गिवन है। तो कॉमन रेशो कितना हो जाएगा बच्चों, लेट कर लेंगे। मान लीजिए कॉमन रेशो है आपका एक्स, ओके तो यहां पर वैल्यूज क्या हो जाएंगी, एल वन को हम मान लेंगे 5x और एल टू हो जाएगा आपका 4x। मेरी बात आगे समझ में, ये आपका L1 हो जाएगा और ये आपका L2, ओके L1 का वैल्यू हो जाएगा 5x और L2 का वैल्यू 4x, ओके अब आपको निकालना है रेशियो ऑफ देयर कर्व्ड सरफेसेस। ओके तो चलिए हम यहाँ पर लिख लेते हैं। अब मान लीजिए जो आपका कर्व्ड सरफेस एरिया है वो पहले वाले कोन के लिए CS से 1 है और दूसरे के लिए कर्व्ड सरफेस एरिया 2 है। तो बच्चों फॉर्मूला आपको मालूम है कर्व्ड सरफेस एरिया का, पाई आर एल होता है। तो क्या लिखेंगे, पाई इसके लिए आर वन लिखेंगे, ओके उसके बाद एल वन, सी एस ए टू के लिए पाई आर टू एल टू, ओके अब यहाँ पर आप पाई से पाई को कैंसिल आउट कर देंगे। ओके अब बच्चों मेरी बात को ध्यान से समझना, हमने क्या कहा था कि R1 जो है वो R2 के बराबर है क्योंकि डायमीटर्स बराबर थी। तो इसको आप बोल सकते हो R, ओके कोई भी आपने नाम दे दिया R, ओके तो चलिए यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, R अपॉन R, ओके L1 का वैल्यू आप लिखेंगे 5x और L2 का वैल्यू 4x। तो वैल्यूज को आप यहाँ पर पुट कर दीजिए इनटू 4x, x से x कैंसिल आउट हो जाएगा, R से R कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा आपके पास 5:4, यानी कि आपके पास निकल के आ चुका है रेशो ऑफ कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ फर्स्ट कोन टू दी कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सेकंड कोन। ओके और यही आपको फाइंड करना था। ओके सो दिस इज द आंसर फॉर दिस प्रॉब्लम।